नाज़रीन, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लेकर अब तक देश भर में मुख्तलिफ तंजीमों और अवामुन्नास की जानिब से गरीबों की इमदाद मुसलसल जारी है। कहीं राशन किट दिया जा रहा है तो कहीं खाना तकसीम किया जा रहा है, जो वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं हमने हमारी मसाजिद के इमाम और मौज़न को अक्सर नज़रअंदाज किया है, जो कि अफसोसनाक है। कल एक आलिम दीन ने कॉल करके हमें बताया कि कई मसाजिद के इमाम ने उन्हें बताया कि उन तक किसी किस्म की इमदाद नहीं पहुंची और वो अपनी खुददारी की वजह से अपनी हालत इज़हार का इजहार भी नहीं कर सकते। वैसे ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम सबसे पहले उनकी इमदाद करें और उनकी ज़रूरियात पूरा करने की कोशिश करें, लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हमने इमाम और मौज़न के मकाम को नहीं समझा। इसलिए करोड़ों रुपए खर्च करके हमने मार्बल और एसी वाली मस्जिदें तो बना लीं, लेकिन इमाम और मौज़न की तनख्वाह नहीं बढ़ा पाए और न ही ऐसे हालात में हमें उनकी फिक्र ही रही। इस वक्त हम अपने चैनल की जानिब से गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी इमामों और मौज़न के घरों की खबर ले और उनकी ज़रूरियात को पूरा करें। हालांकि ये काम मस्जिद के इंतज़ामिया का है, लेकिन लगता है उनका फंड भी बैंक में फंसा हुआ है या फिर ये उनके बायला में नहीं आता।